मार्बल सिटी किशनगढ़ में गौ अवशेष फेंकने के मामले का पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। 70 वर्षीय आरोपी बुंदू खान को किया डिटेन। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। बुधवार को मार्बल सिटी किशनगढ़ सब्जी मंडी में किसी असामाजिक तत्व द्वारा गौवंश के अवशेष पटक कर भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई थी। घटना के बाद लोग सब्जी मंडी में एकत्रित होने लगे और देखते ही देखते किशनगढ़ शहर के बाजार बंद होने लगे। लोगों की बेकाबू भीड़ असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई की मांग और गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अर्चना चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार, वृत्ता अधिकारी किशनगढ़ सिटी महिपाल चौधरी सहित पुलिस का जाप्ता मौके पर तैनात कर दिया गया। बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के निर्देश पर भेजी गई डीएसटी टीम ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी 70 वर्षीय बुंदू खान को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि ईद के मौके पर 4-5 लोगों ने मिलकर भैंस के पाड़े की कुर्बानी दी थी। उसके हिस्से में भैंस के पैर और खोर आए थे, जिसे लेकर वह जा रहा था। तभी सब्जी मंडी में बोरे में से अवशेष गिर गए और वह घबराहट में उन्हें वहीं छोड़कर भाग छूटा। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि इस बयान को लेकर क्या विश्वसनीयता है, इसकी जांच पूरे रास्ते लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर की जाएगी। यदि इसमें जानबूझकर अवशेष फेंकने का एंगल आएगा तो उसी आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि किसी की अफवाह पर विश्वास न करें और सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए अपने रोजमर्रा के काम करें। पुलिस अपना काम कर रही है। आज प्रातः एक सूचना अफवाह के तौर पर फैली कि कथित गौमांस कोई अनजान व्यक्ति सब्जी मंडी में फेंक गया है, जिस पर कुछ शरारती तत्वों ने इकट्ठे होकर मार्केट को बंद कराना शुरू किया, कुछ जगह तोड़फोड़ शुरू की। सूचना मिलने पर मैंने तुरंत यहाँ एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा, दोनों डिप्टी साहिबान जो किशनगढ़ के हैं वो, उनके एसएचओस और लाइन से जाप्ता भेजा और भेजकर उन्होंने स्थिति को काबू किया और जो कथित गौमांस के जो टुकड़े और खुर बता रहे थे वो तुरंत वेटनरी के डॉक्टर्स को बुलाकर उनसे मेडिकल मुआयना करवाया। और मेडिकल मुआयना करवाने के बाद जो डॉक्टरी राय थी उन्होंने उसको बोवाइन बफेलो पाड़े का जो है वो अंग थे कटे हुए वो होना उन्होंने अपनी तरफ से राय जाहिर की। और जो सीसीटीवी आसपास के एरिया में थे उनको तुरंत देखा गया, उनको खंगाला गया। यहाँ से मैंने डीएसटी टीम भेजी। डीएसटी टीम वालों ने उस हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति को राउंडअप किया जिसका नाम बुंदू खां है, जो कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, 70 साल की उम्र है। और उसको पुलिस हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। और उसने पुष्टि की है कि जो अभी ईद आई थी उस पर उन्होंने जो है पाड़े की कुर्बानी दी है, उसमें 5-7 लोगों ने मिलकर और जो कुछ उसके हिस्से में आया वो लेके जा रहा था और उससे वो जो है वहाँ सब्जी मंडी के एरिया में ये मांस गिर गया। और उसके मुताबिक तो वो कि मैं घबराते हुए वहाँ से भाग गया, क्योंकि कानून व्यवस्था और ये थोड़ा सा कम्युनल एंगल आ गया था तो एक हमारे लिए चिंता का विषय था। मेरी सभी से अपील है कि संयम बरतें, पुलिस को अपना काम करने दें। घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अनजाने में जानबूझकर भी होंगी, लेकिन कानून हाथ में ना लें, क्योंकि कानून हाथ में लेने से कानून में हाथ में लेने वाले भी अपराधी बन जाते हैं। संयम बरतें, माहौल ख़राब ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और पुलिस का सहयोग करें। पुलिस आपके लिए तत्पर है। पुलिस ने इस मामले में भी तत्परता दिखाते हुए संजीदगी से काम लिया है, बड़ा संयम से काम लिया है और तुरंत जो है उसकी पुष्टि भी करवाई है और जो कंसर्न आरोपी था उसको भी राउंड अप किया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे जांच की जा रही है। कहां से आया, कैसे आया, सब जांच का विषय है, वो भी तफ्तीश में ले लिया जाएगा। सर, आरोपी पकड़ा तो पूछताछ तो होगी, तो उसने फेंकना बताया या गलती से गिरने को ऐसा कुछ?
अब धार्मिक भाव ने अब उसकी चाहे वो लापरवाही रही हो, बेवकूफ़ी रही हो, जानबूझ के फेंका हो, वो अब सीसीटीवी जो आसपास के हैं उनको देखकर इन्फ्रेंस निकाला जाएगा, क्योंकि वो जो एविडेंस जो सीसीटीवी में आया है वो हमारे लिए कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि उससे गिरा है या वो फेंक के गया है, तो वो एक चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा साक्ष्य है, वो कलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, अभी उसका इलाज चल रहा है, वो एडिशन साहब का ड्राइवर था, कोई पथरा हुआ है, पथरा में कहीं कोई कांच वाँच टूट के उसके लगी है, तो अब वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अमुक वो किन को पहचानता है, क्या है, अगर होता है तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अब बिल्कुल शांति है, क्योंकि जो अफवाह उड़ाई गई वो गौ मांस को लेकर थी, तो मैं पुनः आपके माध्यम से इस चीज़ की जो है खंडन करना चाहता हूँ कि ऐसा जो है वर्तमान में नहीं हुआ है, डॉक्टरी राय भी आ चुकी है, और ऐसे मामलों में हम सबको संयम बरतना चाहिए और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। अगर अब सारे कानून बने हुए हैं, उस कानून के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है, मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है, मुलजिम को जो है चालान उनका होता ही है, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कानून हाथ में ना लें और अफवाहों पे जो है ज़्यादा आम आदमी से मेरे निवेदन है ध्यान ना दें। सर, इसको जो किशनगढ़ में कल बंद हुआ था,